वेलकम बैक नाज़रीन, माहौल को थोड़ा सा बेहतर किया जाए। अभी चंद लम्हे पहले हम शहर खामोशां उस बस्ती में थे जहां सब ने चले जाना है। हम आपको उस सोगवार माहौल से निकाल के एक ऐसी खूबसूरत दुनिया में लेके आए हैं जहां शॉपिंग हो रही है, सब्जी खरीदी जा रही है, गोश्त खरीदा जा रहा है, पुराम आवाम खोर में लोग एंजॉय कर रहे हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कि ये जो मछली बेचने वाले हैं, गोश्त बेचने वाले हैं, सब्जियां बेचने वाले हैं, इस आवाम को जो टैक्स देते हैं उनको क्या खिला रहे हैं। हम आपको फिश की शॉप पे लेके आए हैं, बहुत खूबसूरत फिश साफ सुथरी लगी हुई है, रेट लिखे हुए हैं, ये कहाँ की मछली है, कहाँ से आई, कौन खाएगा, कैसे खाएगा, कसाब क्या कहता है, ये सारी गुफ्तगू। क्योंकि आजकल बहुत बड़ा शोर शराबा उठ रहा है कि मुर्दा गोश्त, गधे का गोश्त, कौन से जानवर क्या खिलाया जा रहा है, इस पे हमारा प्रोग्राम आवाम खोर चलता रहता है। आपकी हम मुलाकात कसाबों से करवाते हैं और ये जो खादमे आला पंजाब और चारों सूबाई हुकूमतें, गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतों ने ये आपकी और हमारी सहूलत के लिए प्रोग्राम ये बाज़ार बनाए हैं, क्या इनमें वही बिक रहा है, क्या इनमें वही दिया जा रहा है, क्या हलाल दिया जा रहा है, क्या हकूमत के मिशन को, बेहतर नेक नामी के मिशन को आगे बढ़ाने में ये दुकानदार, ये अमला, ये सारे साथ दे रहे हैं। आज हम आपकी मुलाकात इनसे करवाएंगे और इनसे पूछते हैं कि क्या ये जो जानवर हैं, ये जो मुर्गियां हैं, ये अपने पाँव पे चल के आ रही हैं या किस हालत में। ये जो एक आयशा मुमताज़ साहबान आए, तमाम शॉपकीपर्स, वेंडर्स, सौदा सल्फ बेचने वाले दुकानदार, बड़े छोटे होटल्स पे छापे मारे जा रहे हैं, हम इनकी राय भी लेते हैं कि क्या वजह है कि इस गेट के बाहर, इतवार बाजार के बाहर तो कसाब ने छुरा उठा रखा है, वो 800 से लेके 1000 रुपए किलो गोश्त बेच रहा है। इन बेचारों का क्या कसूर है, इनको गन पॉइंट पर कहा जा रहा है कि 500 रुपये में बेचें। आया 500 रुपये वाला गोश्त हमारे खाने के काबिल है या बाहर वालों को कोई पूछने वाला नहीं है। हम अभी आपकी मुलाकात इनसे करवाते हैं और पूछते हैं कि ये क्या बेच रहे हैं और किस तरह ये मजबूर हैं इस रेट पे बेचने पे, और इंतज़ामिया कितनी बेबस है। बाहर वाले बड़े बड़े जो मटन शॉप है, आरफ मटन शॉप हो गया, खालिद मटन शॉप हो गया, फलां मटन शॉप, फलां मटन शॉप, 150-200 बकरे जो हैं बेचते हैं, और उनसे जब पूछा जाता है कि ये लिस्ट के मुताबिक दे, वो कहते हैं जी लिस्ट नू छोड़ो। हुकूमत कहती है कि लिस्टें आवेज़ा हैं, ये लिस्टों के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कराने वाली टीमें क्या कर रही हैं, और ये इतवार बाजार में ही क्यों डंडा बरदार फोर्स है जो इनको मजबूर करती है कि एक फिक्स रेट पे बेचा जाए। आइए हम इनकी मुलाकात इनसे करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मौज़म बेग जी। बेग साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का करोड़ों शुक्र जी, फर्स्ट क्लास जी। जी फरमाएं जी। बेग साहब ये बताएं कि आप यहाँ जो मुर्गी लिस्ट के मुताबिक बेच रहे हैं आज क्या रेट है? देखिए जी, हमें छोटी छोटी बातों को दीन इस्लाम के मुताबिक करना चाहिए, तो इस्लाम में ये है कि जो रोज़मर्रा ज़रूरत की चीज़ है ना उसको बहुत कलील मुनाफा रखा जाए, तो जिसमें अगर सेल किसी चीज़ की भी हो जाती है ना, अल्लाह का करोड़ों शुक्र कि बहुत अच्छी रोटी मिल जाती है। मेन चीज़ है सेल होना, तो हमारी सेल माशाल्लाह यहाँ पे अच्छी हो जाती है और हमारी मुर्गी भी ज़्यादा सेल होती है, और यह कि हमें बहुत अच्छी रोटी मिल जाती है और एक मकूल बेनिफिट है इसमें, जो ये रेट लिस्ट देते हैं ना बहुत सही मकूल एक रेट हमें इसमें मुनाफा होता है उसमें। बेग साहब आपकी रोटी रोजी ठीक चलती है? अल्लाह का बहुत शुक्र जी, राजत तो अल्लाह की जात है। क्या वजह है, क्या मुनाफा रख रहे? क्या वजह है बेग साहब, क्या वजह है कि बाहर मुर्गी वाला कहता है जी कि हम रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं दे सकते और 100 बातें खरीदारों को सुनाता है? बाहर का किसाई इसी मॉडल टाउन लिंक रोड पे सबसे बड़ा जो गैंगस्टर है, आरफ मटन हो गया, खालिद मटन हो गया, फलां मटन हो गया, ये जो टीएमएस को टीम है, एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है, ये भी उनका ख्याल रखती है। क्या वजह है
कि आप यहाँ मजबूर होकर रेट पे बेच रहे हैं या आपको इसमें से कोई बच्चों की रोजी रोटी का सिलसिला ठीक चलता है? सर, बच्चों की रोजी रोटी बहुत अच्छी इस रेट पे बेच के हमें मिलती है। और ये है कि इसमें ना जी यानी सेल ज्यादा हो जाती है, एक मकूल है इसमें मुनाफा। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, किसी शख्स को दो वादियां सोने की दे दी जाए ना तो उसका पेट नहीं भरेगा, वो तीसरी की भी ख्वाहिश करेगा, इसको ना वो कब्र की मिट्टी ही इसका पेट भरेगी। बेग साहब, ये बहुत अच्छा मिल रहा है। बेग साहब, ये बताइए कि मुर्गियां पाँव पे चल के आती हैं या बेचारी स्ट्रेचर केस पे चल के आती हैं? सर, वो जाहिर है गाड़ी पे मुर्गी आती है, हमें यहाँ पे इंतजामिया वाले चेक करके वो तो जब इंसान दुनिया से चला जाता है उसको भी गाड़ी पे लेके जाया जाता है। ये बताइए कि मुर्गियां बेहतर नस्ल की हैं और हशाश बशाश है, जिम और एक्सरसाइज करने वाली मुर्गी हैं या हमें क्या खिला रहे हैं आप? नहीं जी, बहुत अच्छी मुर्गी है, इंतजामिया चेक करके ना डॉक्टर करता है चेक के मुर्गी सही है, जो छोटी आएगा बी पे रहती है यहाँ पे वो ममनू है। बेग साहब बहुत शुक्रिया, बात इंतजामिया की हुई, इंतजामिया तो चेक करेगी, इंतजामिया के घर तो गोश्त अच्छा चेक होगा। आइए हमारे साथ रहिएगा, हम पूछते हैं कुछ अच्छे कस्टमर्स, वो क्या कहते हैं कि आया ये जो प्रोग्राम हमारा आवाम खोर है, आवाम का ख्याल रख रहे हैं या आवाम खोर या लूट मार डाली हुई, हमारे साथ रहिएगा।